राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ब्लॉक की परासिया इकाई ने अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षक सेवा में नियुक्त शिक्षकों की क्रमोन्नति के मामले में एसडीएम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में शिक्षक संघ ने कहा कि क्रमोन्नति के लाभ से शिक्षकों को वंचित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। एक आदेश के तहत सभी लाभों पर रोक लगा दी गई है, जिससे शिक्षक वर्ग में काफी आक्रोश है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार के निर्देशानुसार ही कार्य किया जा रहा था, लेकिन शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षक परेशान हो रहे हैं। अतः आदेश तुरंत निरस्त किया जाए, अन्यथा शिक्षक आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। शिक्षक संवर्ग में शामिल हुआ है, अध्यापक संवर्ग के जो लोग हैं यहाँ पर माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी वर्तमान में दो या तीन दिन पहले जयसी क्यावत मैडम, उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें जो 98 से जो हम लोग शिक्षाकर्मी के रूप में जो काम कर रहे हैं या 2003 से या 2000 उन लोगों की सभी लोगों की जो है सेवा अवधि जो है उसको शून्य कर दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।